नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला और कुंभ राशि वालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 72 घंटे में बड़ा चमत्कार होने से तुला और कुंभ राशि के बिगड़ी किस्मत चमकने वाली है। एक बड़ा चमत्कार होने वाला है और उसी के चलते तुला और कुंभ राशि वालों को खूब लाभ होने वाला है। महालक्ष्मी जी की कृपा से तुला और कुंभ राशि के जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। जिस मामले में आप कोशिश कर रहे थे, उसका अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। सफलता भी मिलेगी और लाभ भी बढ़ेगा। अन्य शहरों से कामकाज में विस्तार हो सकता है। बाहरी रिश्ते सुधरेंगे। दूर की रिश्तेदारियों से मिलना जुलना हो सकता है। इसी तरह के बहुत सारे लाभ तुला और कुंभ राशि को होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तुला और कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अपडेट राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज आपको राशिफल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपका सोचा हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिन लोगों से सहयोग की आप कल्पना कर रहे हैं, वे अपना सहयोग आपको दे सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा प्रयास सफल हो जाएगा। उसका असर आज देखने को भी मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। पूजा पाठ के लिए अच्छा समय निकल आएगा। धार्मिक और विद्वान लोगों से मिलना होगा या बड़े अधिकारियों से निकट संपर्क हो सकता है। कोई पुरानी उधारी वसूल हो सकती है या अचानक भुगतान भी आ सकता है। वाहन संबंधित असुविधा हो सकती है। घर कुटुंब के मामले में परेशानियां यथावत चलती रहेगी। किसी एक बात को लेकर सहमति नहीं हो पाएगी और लोग अजीब अजीब सा व्यवहार करेंगे। माता के स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको कोई शुभ सूचना मिल सकता है, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। यदि किसी वरिष्ठ के साथ कार्य करने का मौका मिलता है तो उसे हाथ से जाने ना दे। ऑफिस की बात करें तो कार्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आपकी कठोर मेहनत ही प्रमोशन तक आपको ले जा सकती है। व्यापारी वर्ग, याद रखें कि अपने कम्युनिकेशन यानी अपने संपर्कों को आज के दिन आपके लिए दूषित ना होने दे। आपकी बुद्धि ही आपके काम आने वाली है। आपकी सूझबूझ बिगड़े हुए कार्यों को बना देगी, जिससे लाभ प्राप्त होगा। ऑफिस में आपके कार्य की प्रशंसा होगी, वही दूसरी ओर आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व में साफ साफ झलकेगा। कपड़ों के व्यापारियों को ग्राहकों के अनुसार ही सामान की बिक्री करनी होगी, अन्यथा समय और ग्राहक को जाते देर नहीं हो लगेगी। सेहत की बात करें तो आज उन लोगों को अधिक सचेत रहना है जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। दोस्तों, आप बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। आर्थिक लाभ के लिए किए जा रहे प्रयास बहुत तेज हो जाएंगे। आज आपकी श्रेष्ठ सृजन क्षमता सामने आएगी। कामकाज में किसी नई विधि का प्रयोग करेंगे और सफलता भी मिल जाएगी। दैनिक लाभ की मात्रा बढ़ाने के लिए अपने प्रयास तेज कर देंगे। आर्थिक लेन देन में थोड़ी सी परेशान रहेगी। देनदारियां भी अच्छे स्तर की रहेंगी। जितना कमाएंगे उतना खर्च हो जाएगा। व्यवसाय में कोई नया विषय जोड़ने की बात चल सकती है। यह आपके ऊपर है कि वार्ता में विषय को कितना आगे ले जाएं। इस समय किसी भी नई बात को स्वीकार कर लेने में हानि नहीं होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं, परंतु वाहन सावधानी से चलाएं और दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें। सरकारी लोगों से कामकाज में थोड़ी अड़चन बन सकती है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपका समाज में और आसपास के लोगों में आपके व्यक्तित्व का वर्चस्व लहराएगा। कोई बड़ा कार्य आज शुरू कर सकते हैं। ऑफिस में सभी कार्य सुचारू रूप से चलते दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। कारोबार बढ़ाने के विषय में नई प्लानिंग करनी होगी। यदि कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो समय उपयुक्त है। विद्यार्थियों को टीचर के बताए विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी अनजाने व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। सामाजिक रूप से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा सा सही, लेकिन अपने पुराने कर्ज आज से खत्म करने की ओर बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ेगी और आपकी झोली में आकर गिर सकती है।
यदि ऐसा होता है तो यह भविष्य के लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। व्यवसाय में स्थिरता रहने वाली है, आय के नए साधन विकसित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 72 घंटे में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है और उसी के चलते तुला और कुंभ राशि वालों को खूब फायदा भी होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।